नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सपने में यदि आपको इन 10 चीजों में से कोई भी एक चीज मिलती है तो समझ जाएं जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, आपके सपने सच होने वाले हैं। मगर हम आपको बता दें, ये सपने किसी को भी भूलवश ना बताएं। आप अपने परिवार में अपने किसी भी लोगों को ना बताएं, नहीं तो आने वाले जो भी सपने हैं उनका जो भी फल आपको मिलेगा वह आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए इन सपनों को आपको बिल्कुल ही छिपा के रखना है, यानी कि इसको मन में रखना है, किसी को नहीं बताना है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे ही कुछ 10 सपनों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको सपने में कभी ये चीज़ें दिखी हैं तो इनका क्या अर्थ होता है। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आइए जान लेते हैं पहला सपना है। अगर आपको कभी भी सपने में कुम्हार दिखता है, कुम्हार घड़ा बनाते हुए दिखे, तो इसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी की कृपा जल्दी आप पर बरसने लगती है, अचानक से आपको धन का लाभ होता है। दूसरा सपना है, यदि आपको स्वप्न में ऊंट दिखाई दे तो इसे भी सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे इसका दिखना आपके कार्य में सफलता का संकेत होता है। तीसरा सपना है, जिन लोगों को रात्रि में सोते समय सपने में गड़ा हुआ धन दिखाई दे तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इससे माँ लक्ष्मी की साक्षात आप पर कृपा दृष्टि होती है, जिसके चलते आपको जीवन में सारी सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अगर सपने में कोई खुद को गंजा देखे तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। इससे व्यक्ति को अपार धन प्राप्त होता है, इससे व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अगला सपना है, जिन लोगों को कभी सपने में नोट दिखे हो तो समझ जाएं आपको माता लक्ष्मी आपसे बेहद ही प्रसन्न है, आपको भविष्य में धन की प्राप्ति होने वाली है। माना जाता है कि इससे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा, साथ ही जातक को बिना मेहनत के ही धन प्राप्त हो जाएगा। अगला सपना है, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कुएं में पानी भरा हुआ दिखे तो इसे भी बेहद ही अच्छा सपना माना जाता है। कहते हैं इससे व्यक्ति के जीवन में संपन्नता बढ़ती है, जातक के अपने परिवार वालों से भी संबंध बेहतर होते हैं। अगला सपना है, अगर आपको सपने में कभी कछुआ दिखे तो इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि ऐसे सपने देखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन वैभवशाली बनता है। अगला सपना 8वां सपना है, यदि किसी को सपने में कमल का फूल दिखे या खुद को कमल के पत्तों पर भोजन करता हुआ देखे तो इसे अच्छा माना जाता है, यह अचानक से धन लाभ होने की ओर इशारा करता है। 9वां सपना है, अगर आपको सपने में कोई पुराना अति प्राचीन मंदिर दिखे, गहने दिखे, शंख दिखे एवं कलश दिखे तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा होने पर आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना रहती है, आपको जल्दी से जल्द धन की प्राप्ति हो जाएगी। 10वां सपना है, अगर किसी व्यक्ति को सपने में गेहूं से लहलहाते खेत दिखे, गेहूं के दाने दिखे तो इसे सबसे ज़्यादा अच्छा संकेत माना जाता है। कहते हैं ऐसा होने पर माँ अन्नपूर्णा की आप पर अजीम कृपा होती है, इससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे 10 सपने थे, जिसको यदि आप देखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने इनमें से कभी कोई सपना देखा हो तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।